प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण जडणघडण या पाठाचा भाग क्रमांक 3 चं स्पष्टीकरण पाहणार आहोत. डोळे चोळत चोळत मी उठायचे, लेखिका म्हणते कि मैं आको को मलते मलते उठती थी. माझ्या बेळगावचे मामा कधी कधी आमच्याकडे राहायला यायचे. हमारे बेळगाव के मामा कभी कभी हमारे घर पर रहने के लिए आते थे. पहाटे उठल्यावर डोळ्यावरची झोप जाई म्हणून गरमागरम चहाचा कप देऊन ते बैठकीवर माझ्या बाजूला बसून राहायचे. हमारी सुबह सवेरे की नींद से हम बेदार हो जाए इसके लिए हमें चाय का प्याला दिया जाता था और मेरी माँ उसी के बाद हमारे बाजू में आकर बैठती थी. माईच्या भीतीने जेव कुठल्या कुठे उडायची. माँ के डर की वजह से नींद कब से गायब हो जाती थी. सवर आपोआप जुड़ायचे और जो बोल है वो ऑटोमेटिकली जुड़ते थे. इतक्या पाटे ही माईच्या गाण्याकडे बारीक लक्ष असायचा. इतनी सुबह सवेरे भी माँ का ख्याल रहता था. एकदा सवर चुकला तरी चटकन सांगायची, एखादी तान गाऊन दाखवायची नी सांगायची म्हण ही तान 108 भेड़ा. और क्या होता कि एखादी बोल मुझसे चुक जाता तो फौरी तौर से कहती कि एखादी गाना गाकर वो बताती और फिर कहती कि आप तेरा कोई बोल चुक गया तो तुझे 108 मर्तबा गाना पड़ेगा. ती तान घटोता घटोता माझ्या नाकी दम यायचा. उस बोल को कम करते करते मेरी नाक में दम आ जाता पण 108 वेळा गाऊन झाल्याशिवाय सुटका नसायची. मगर मेरी माँ जब तक मेरे पास से 108 मर्तबा में गीत नहीं बोल लेती तब तक वो वहां से नहीं उठती या मुझे नहीं छोड़ती. तो पर्यंत ती तान जमायला लागायची. वो जो है गानों का खिंचाव जमाने में लग जाती. कधी संध्याकाळी असाली आज सुरू असताना काही चूक झाली की माई म्हणायची शाम के वक्त प्रॅक्टिस करते करते कोई बोल चूक गया तो माँ कहती थी बरोबर गाता आल्याशिवाय जेवण नाही मिळणार रात्री. जब तक तुमको गीत बरोबर नहीं गाते आएगा तब तक रात का खाना नहीं मिलेगा. माईच्या या कडक शिस्तीमुळे मला चांगले वळण लागले. मेरी माँ की कडक तरबियत की वजह से मुझे जो है अच्छे रास्ता मिला. मेहनत करायची सवय लागली और मेहनत करने की आदत लगी. संगीत साधनेतील माईच्या तन्मयता जो संगीत के अंदर जो समावेश करने वाली बातें होती है गुरु ने दिलेल्या विद्या जपण्यासाठी वाढवण्यासाठी तिने केलेले जीवपाळा प्रयत्न केवळ शास्त्रीय संगीत गाण्याची तिची निष्ठा या साऱ्या गोष्टींचा माझ्या मनावर पहिल्यापासून खोलावर परिणाम झाला. क्या हुआ कि भाई गानों को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर वो अपने दिल से मेहनत करती कोशिश करती और शास्त्रीय संगीत पर जो उसका जो भरोसा था इन सभी चीजों पर मेरे दिल के ऊपर पहले पास से उसका असर हुआ. आपले गाने आपले आईच्या नावाला कीर्तीला सजेसे झाले पाहिजे. जो गीत है अपनी माँ की नाम की ऊंचाई के हिसाब से होने चाहिए. या साठी आटोकाट परिश्रम करण्याचा ध्यास मला तेव्हापासून लागला. लेखिका कह रही है कि मेरी माँ की जो मेहनत है जो जुनून है वो मुझे पहले पास से लगा. जे करायचे ते सारे अत्यंत विनम्रपणे केले पाहिजे. जो भी करना है अदिती के साथ करना है. तिची आणखी एक मुख्य शिकवण जराही अहंकार तिला सहन व्हायचा नाही. उसकी एक और बोलना था कि भाई घमंड उसको बिल्कुल सहन नहीं होता था. मला आठवते मुंबईतील जहांगीर आर्ट गॅलरी नावानेच खुली झाली. क्या हुआ कि बंबई के अंदर एक आर्ट गॅलरी जहांगीर नाम की शुरू हुई थी. त्यावेळी माईचे गाणे होणार होते. तानपुरे वर्षातीला मी बसले होते. लेखिका कह रही कि जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरी माँ का गाने का प्रोग्राम हो रहा था और साथ में आवाज मिलाने के लिए मैं भी बैठी हुई थी. सारे श्रोते कुतूहल ने हम माई लेकिन कड़े भगत होते. सभी देखने वाले
हम दोनों माँ बेटियों की जानिब देख रहे थे। मी उत्सुकता ने ते नाराज असल्याने कान पूरा नीट लागला नाही। क्या हुआ कि उनके देखने की वजह से मैं भी जो देखने वाले लोग थे उनके तरफ देखने से मेरा जो गाने का आवाज है वो सही ढंग से नहीं मिला। तीते एक माई मना ली, वहां पर ही उसकी माँ कहने लगी, ये इतना सेल सर उठ अन्नी खाली उतर, तुझे नहीं आता है तो यहाँ से उठ और नीचे जाकर बैठ। तीचा चिड़का सवर एक तक माजे लक्ष्य आप आपत तानपुरे और इस तरह ले। जैसे ही मेरी माँ मेरे ऊपर चुड़ी तो मेरी आवाज ऑटोमेटिकली उसके गाने के साथ जुड़ गई। अहंकार नाइसा करना माइला सहज जमाई छे, घमंड दूर करना माँ को बिल्कुल जमता था। त्यामुळे मी या दुर्गुणा पासून दूर राहू शकले, इसी वजह से तो मैं बुरी अलामतों से दूर रह सकी। परिश्रमाने गाने वाड़ू शकले, मेहनत के जरिए मैंने अपने गानों को बढ़ाया। माला वाटते माझ्या जीवनाची जडणघडण्याची खरी शिल्पकार माईच आहे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी जिंदगी की असल में तरबियत करने वाली और मुझे तराशने वाली मेरी माँ है।